हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गूगल शीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने एक्सेल पर काम किया होगा। देखिए, एक्सेल जो है, एक्सेल सॉफ्टवेयर पे आपने बहुत काम किया होगा, लेकिन गूगल शीट पे कैसे काम करेंगे, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो आइए गूगल शीट को ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, एक्सटेंशन को यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं सेटिंग में जा करके, या फिर आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। मेरे इसमें पड़ा हुआ है, इसमें गूगल शीट, यहाँ पे आप देखिए ये गूगल शीट दिया हुआ है, यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये ओपन हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है ना, इसका डाटा जो है आप सर्वर पर सेव रख सकते हैं। सर्वर पर सेव रखने का मतलब क्या है कि आप इसको ऑनलाइन सेव रख सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और दूसरी बात कि इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए, ये ब्लैंक लिखा हुआ है, यहाँ मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ एक, ठीक है। और जिस प्रकार से हम एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाते हैं, उसी तरह से गूगल शीट में भी हम फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आइए कुछ इसमें टाइप करते हैं, जैसे मैं वही एक्सेल वाली चीज, नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर टाइप किया, ठीक है। और इसको रिसाइज कर लीजिए यहाँ से, यहाँ पे डबल क्लिक करने से ये रिसाइज हो जाता है, या इसको खींच लीजिए यहाँ पे, ये रिसाइज हो गया। अब यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स के नाम होंगे, जैसे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस। मैं आपको डेटा एंट्री करके बता रहा हूँ, और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि इसमें हिंदी में कैसे, बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि हम जो नाम इंग्लिश में लिख रहे हैं उसको हिंदी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। चलिए कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी या यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री कर देता हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। और इसका जो एडवांटेज है ना, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सर्वर पर डेटा सेव रहता है, आप शेयर कर सकते हो इसको। और यहाँ लिख देता हूँ बायो, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे इसका टोटल, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हम एक्सेल पे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमम, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं गूगल शीट पे भी, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज, ओके। तो यहीं तक रखता हूं, और यहां पे स्टूडेंट्स के नाम लिखता हूं मैं, जैसे रमेश, सुरेश, राजेश, परवेज, रिंकू, टिंकू, कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। तो इतने नाम हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे इज इक्वल टू रैंड बिटवीन हम लगाते थे, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूँ। रैंड बिटवीन लगाने से क्या होता था, रैंडमली हमारे पास नंबर आ जाते थे, तो यहाँ भी रैंड बिटवीन का है। अब सबसे कम जो नंबर पाएगा वो 5 नंबर पाएगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे 5 नंबर पाएगा सबसे कम, कॉमा देंगे, सबसे ज़्यादा जो पाएगा वो 90 पाएगा। इसको बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक नंबर आ गया है। ध्यान रहे कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, ठीक है। तो अब इसको फैला दीजिए आप आगे, ये यहाँ से रखिए और यहाँ तक, और फिर नीचे आ जाइए यहाँ तक, तो ये हो गया। अब चूंकि ये आएंगे टोटल करेंगे सम एस यू एम, तो सम से ही तो हम जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ जैसे ही मैंने सम लिखा, ये अपने आप जो है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये फीचर है कि मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं। देखिए हमें सम किसको करना है, इन सारे सब्जेक्ट्स का सम हमें यहाँ करना है, इज इक्वल टू का निशान लगाया हमने, और एस यू एम जैसे ही करता हूँ और ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये अपने आप पूरा सेलेक्ट होकर आ जाता है, कितना इंटरेस्टिंग फीचर है। और इंटर करूँगा तो ये यहाँ पे टोटल होकर के आ जाएगा, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये सब जो है आ गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम लगाना, तो एम एक्स फॉर्मूला लगाइए आप, और यहां से यहां तक आप सेलेक्ट कर डालिए, ठीक है, बंद कीजिए यहां पे, एंटर करिए तो यहां पे मैक्सिमम मार्क्स आ गए, डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना है। अब यहां पे देखिए मिनिमम लगाना है आपको, तो एम आई एन मिनिमम कर दिया हमने, और यहां से आप पकड़िए और पूरा सेलेक्ट कर डालिए यहां तक, ठीक है, एंटर प्रेस कीजिए तो ये मिनिमम आ गया। इसी तरह से एवरेज निकालना है हमें,
तो एवरेज निकाल देते हैं इज इक्वल टू ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज लगा दिया हमने। और एवरेज लगाने के बाद अब देखिए ये अपने आप सेलेक्ट होकर आ रहा है, पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है। हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है एवरेज को, एक मिनट, इज इक्वल टू ए बी ई आर ए जी ई, एवरेज कर दिया हमने। और यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक आना है। अब इसको बंद करिए, आप एंटर करिए, तो ये देखिए यहाँ पे एवरेज भी आ चुका है। अब इसको डबल क्लिक कर दूंगा मैं तो ये पूरा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी के साथ हम ये डेटा बना पा रहे हैं। चलिए ये अब इसमें आपको एक और चेंजिंग करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा डेटा हम कर चुके हैं सेलेक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अगर इन सब नामों को हिंदी में करना हो तो क्या करेंगे, हम इज इक्वल टू का निशान बनाएंगे और यहां लिखेंगे गूगल। तो यहां पे देखिए गूगल फाइनेंस और गूगल ट्रांसलेट दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहां पे गूगल ट्रांसलेट पे आपको क्लिक करना है। तो टेक्स्ट कौन सा है, तो टेक्स्ट हमारा क्या है, जो भी टेक्स्ट होगा, जैसे ये रमेश है तो रमेश को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन, कॉमा देंगे, ठीक है। और कॉमा देने के बाद डबल कोट्स में, यहां पे हमें डबल कोट्स में क्या लिखना है, लिखना है हमें सोर्स। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे सोर्स लैंग्वेज की बात कर रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं सोर्स लैंग्वेज, तो सोर्स लैंग्वेज हमारा इंग्लिश है, तो यहां हम लिखते हैं EN, बंद करते हैं, कॉमा देते हैं। अब जो हमारा डेस्टिनेशन लैंग्वेज है, जहां तक लेके जाना है इसको, वहां पे अब जाना है हमें, तो एक मिनट, ये बंद किया हमने, अब कॉमा देंगे। अब डेस्टिनेशन लैंग्वेज हमारा जो भी होगा वो दे देंगे, जैसे कि मान लीजिए हिंदी है तो एच आई टाइप किया हमने, और इस ब्रैकेट को कर दीजिए बंद, डबल कोट्स को, और बंद कीजिए इस ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे अब ये लोडिंग हो रहा है, और ये देखिए रमेश जो नाम था वो लिखा हुआ आ गया है हमारे पास, आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं नीचे ड्रैग करूं तो क्या होगा, अब ये देखिए लोडिंग हो रहा है। अब जो भी मैंने नाम लिखा था वो सारा कुछ अपने आप, ये लास्ट वाला नहीं ट्रांसलेट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस शानदार फीचर का हम यूज कर पा रहे हैं। एक्सेल की जगह अगर हम गूगल शीट का प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से हम इसका यूज कर पाएंगे, आप ये देख सकते हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी एक टीम है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि आपकी एक टीम है, पहले मैं इसको ब्रैकेट लगा दूं। ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए दिया हुआ है, तो ये बॉर्डर आप बना सकते हैं जैसे कि आप एक्सेल में बनाते हैं, यहाँ पे आपने बॉर्डर बना लिया। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ऊपर जो है ये इसकी चौड़ाई बढ़ानी है या कुछ करना है, तो यहां से आप खींच करके बढ़ा सकते हैं। एक मिनट, कंट्रोल जेड करता हूं, बस इसको सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहां पे क्लिक करेंगे और इसकी चौड़ाई को यहां से बढ़ा देंगे, तो यहां पे देखिए चौड़ाई इसकी बढ़ चुकी है। अब हमें करना क्या है, करना यह है कि हमें इसका अलाइनमेंट देखना है। जैसे यहां पे देखिए ये हॉरिजॉन्टल अलाइन दिया हुआ है, ये सेंटर अलाइन दिया हुआ है, तो इसको सेंटर में कर लेते हैं हम, ठीक है, यहां से हम सेंटर में कर सकते हैं। इसको बोल्ड भी किया जा सकता है, यहां से बोल्ड, कंट्रोल बी दबा के आप बोल्ड करते थे तो बोल्ड भी कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आ रही होगी आपके। और यहां से साइज बढ़ा सकते हैं फॉन्ट की, 9 कर दिया हमने, और इसको बड़ा करना चाहते हैं 14 कर दीजिए, तो ये बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया। यहाँ डबल क्लिक कर लेंगे तो फिर ये रिसाइज भी हो जाएगा, यहां से भी इसको रिसाइज करते हैं तो ये रिसाइज हो गया। सब कुछ रिसाइज कर सकते हैं, सारा काम हम वैसे ही कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ कमाल के फीचर। अब देखिए यहां पे ये जो है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए दिया हुआ है, तो आपको अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है इतने पार्ट का, तो मैं यहां पे चेंज करके आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से ये टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर पाएंगे। तो ये देखिए यहां टेक्स्ट का कलर चेंज हो जा रहा है जैसे कि एक्सेल में होता है। लेकिन कुछ खास बातें कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक दोस्त दिल्ली में रहता है, अभी मैं देवरिया में हूं और मेरा दोस्त दिल्ली में है, उसको भी इस पे काम करना है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, ये कोई बहुत मीनिंगफुल काम नहीं है, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे के ये बता रहा हूं कि कैसे हम काम कर पाएंगे। तो यहां पे देखिए ये हमने लगा दिया है, अब हम इसको शेयर करेंगे, यहां से शेयर करेंगे तो यहां देखिए क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि गिव योर यूनाइटेड अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट अ नेम बिफोर शेयर। तो पहले हम इसको नाम दे देते हैं कोई, ठीक है, शेयर करने के पहले, तो ठीक है, तो यहां पे क्लिक कीजिए आप और कोई नाम दे दीजिए यहां पे, जैसे मैं नाम दे देता हूं स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, ठीक है। और यहां पे हम करेंगे सेव, तो ये सेव हो गया स्प्रेडशीट के नाम से।
अब क्या रहा है, पीपल इंटर नेम्स ऑफ और ईमेल एड्रेस. अब जिसको भी ईमेल करना, जैसे मान लीजिए मुझे ईमेल करना है, ये देखिए इस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल करना है, ये मेरी ही डमी ईमेल आईडी है, तो ये मैंने लगा लिया. अब आपको इसके अलावा भी 10 लोगों को और भेजना है तो आप 10 लोगों को और भेज सकते हैं. यहाँ पे जितना भी चाहे आप ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं. इसके बारे में बता सकते हैं कि ये किस चीज का है. जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि गूगल शीट रिकॉर्ड, ठीक है. तो यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम करेगा. गूगल शीट पर ये गूगल शीट का रिकॉर्ड है, इसके बारे में हमने बता दिया. अब इसको यहां से सेंड कर देंगे तो ये जो है जिसके जिसको हमने शेयर किया है वहां पहुंच जाएगा, ठीक है. तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये शेयर हो जा रहा है. ये देखिए यहां पर इंसर्ट लिंक, जो हाइपरलिंक आपने पढ़ा था एमएस एक्सेल में, तो वो चीज है. तो आप देख सकते हैं. तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम, अब जैसे मान लीजिए इसमें कलर फिल करना है, इतने पार्ट में हम कलर फिल करना चाहते हैं, तो कलर कहां से फिल करेंगे. यहां देखिए फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है, इसको कर दीजिए ब्लैक. और यहां पर जो हमने कलर लगाया है यहां से, तो इसको कर देंगे हम व्हाइट. तो ये देखिए इस प्रकार से ये डाटा हमारा दिखने लगा है. अब इस पूरे डेटा को मैं करता हूं सेलेक्ट यहां से, और इसकी साइज को बढ़ाना है हमें, तो साइज कहां से बढ़ेगी, यहां से बढ़ जाएगी साइज, ठीक है. जूम करना है तो यहां से जूम कर सकते हैं आप, इसमें 200% की जूमिंग होती है, आप देख सकते हैं, ठीक है. फिलहाल मैं 100 रखता हूं. तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं. अब चलिए एक बार और मैं आपको वो चीज दिखा देता हूं. जैसे मान लीजिए कोई नाम हिंदी में लिखा है, मोहन दास, ये लिख दिया हमने हिंदी में नाम. अब इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे लिखिए गूगल ट्रांसलेट. ये आ गया गूगल ट्रांसलेट, जिस भी भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए. ये सेलेक्ट हो गया, कॉमा दीजिए. अब यहां पे चूंकि ये इंग्लिश में है तो सोर्स लैंग्वेज हमारी इंग्लिश हुई, तो यहां पे आपको ई एन टाइप करना है. ई एन ये टाइप करने के बाद इन्वर्टेड कोट्स को बंद कर दीजिए आप, कॉमा दीजिए. अब किस में इसको ट्रांसलेट करना है, तो इस पे मैं लिखता हूं एच आई. जैसे ही हमने लिख दिया, अब इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहां पे देखिए लोडिंग हो रहा है. आपको इंटरनेट से कनेक्ट तो रहना पड़ेगा इसके लिए. तो यहां देखिए मोहनदास को हिंदी में कन्वर्ट कर चुका है. अगर आप हिंदी लिखना प्रीफर करते हैं तो हिंदी भी लिख सकते हैं, जो भी लैंग्वेज लिखना चाहें, इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस दी हुई हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं. तो आई होप की बात समझ में आई होगी.